दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के बारे में अमेजिंग फैक्ट जिनको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र नेक्रोक्रेसी वाला देश है, जिसका अर्थ है कि ये देश आज भी मर चुके शासक के अधीन ही काम करता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों उत्तर कोरिया के अंदर 4 से 5 टीवी चैनल ही है। दोस्तों यहाँ पर एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर केवल सरकार के द्वारा चलाए गए टीवी चैनल ही चलते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग दूसरे देशों में जाकर भी नहीं रह सकते। दोस्तों यहाँ के लोगों को दूसरे देशों से वीजा भी नहीं मिलता और इसके अलावा यहाँ की सरकार किसी भी व्यक्ति को विदेश यानी दूसरे देश में जाने भी नहीं देती। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों आज अभी हमारे यहाँ 2023 चल रहा है, लेकिन दोस्तों उत्तर कोरिया के अंदर 111वां साल चल रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नहीं करता। दोस्तों इसका अपना कैलेंडर जूके कैलेंडर है और दोस्तों ये कैलेंडर यहाँ के पूर्व तानाशाह किम इल सुंग की जन्म तिथि पर आधारित है। दोस्तों इनका जन्म 15 अप्रैल 1912 को हुआ था और उसी हिसाब से यहाँ पर कैलेंडर चल रहा है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों उत्तर कोरिया के 99% न्यूज चैनल, पत्रिकाएं और समाचार पत्र किम जोंग उनकी प्रशंसा ही करते हैं और उनकी प्रशंसा में कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ कोई भी समाचार पत्र टीवी चैनल वाला किम जोंग उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको फांसी हो जाएगी या जेल में डाल दिया जाएगा। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों वर्तमान में उत्तर कोरिया के अंदर 1.5 करोड़ लोग गरीबी और बुनियादी जरूरतों के कारण पीड़ित है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों उत्तर कोरिया में हर घर पर एक सरकार के नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है और यहाँ पर सार्वजनिक रोड के ऊपर भी पब्लिक स्पीकर लगाए गए हैं, यानी सरकार जब चाहे जो आदेश देती है वहाँ के नागरिक को पालन करना पड़ता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने घर से उस रेडियो को नहीं हटा सकता और बंद भी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको बहुत भारी सजा मिलेगी। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों वर्तमान में 2.5 लाख से भी अधिक लोग उत्तर कोरिया की जेल के अंदर बंद है और दोस्तों इन जेलों को बाहर से यानी चारों ओर से इलेक्ट्रिक तारों से यानी करेंट के तारों से जकड़ा गया है, यानी कोई व्यक्ति अगर भागेगा तो भी वो से मर जाएगा। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों अगर उत्तर कोरिया के अंदर कोई भी पर्यटक घूमने जाते हैं तो दोस्तों वो अपने साथ मोबाइल नहीं रख सकते और दोस्तों कोई भी व्यक्ति वहां किसी भी चीज की फोटो नहीं ले सकता। इसके अलावा उनके साथ एक गार्ड चलता है जो कि हमेशा उस पर्यटक की निगरानी रखता है। और दोस्तों यहां पर्यटक जाने वाले किसी आम नागरिक से बात भी नहीं कर सकते और वो किसी भी चीज की जांच भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों उत्तर कोरिया के अंदर इतने सारे प्रतिबंध है लोगों के ऊपर, लेकिन दोस्तों आप जानकर चौंक जाओगे कि इस देश के अंदर नशीले पदार्थों के ऊपर कोई भी नियम नहीं है, यानी आप जितना चाहो नशा कर सकते हो। यहाँ खुलेआम तंबाकू गांजा मिलता है, यहाँ चौराहे पर लोग तंबाकू गांजा लेकर बैठते हैं, आप जितना चाहो जैसा चाहो नशा कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।